इनकेडी हब में हम क्या करते हैं, इनकेडी हब में हम करते हैं रिलेशनशिप करियर एंड लाइफ कोचिंग, जिसमें मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल मेरे मेंटोर है, मेरे कोच है, मेरे उस्ताद है, जिनसे मैं सीखता हूँ, जो मुझे जो लोगों को हम सिखाते हैं, जो लोगों के साथ हम कन्वर्सेशन करते हैं। सो ये इनकेडी हब तो एक कोचिंग का करते हैं। दूसरे इनकेडी हब क्या करते हैं, इनकेडी हब लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग में आपके सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आते हैं और मुख्तलिफ यूथ कॉपरेट मुख्तलिफ लोगों से हम काम करते हैं। जो पाकिस्तान की लीड ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर है, उसके साथ मैं भी काम करूँ, उसको हम और इदारों में भी डिप्लॉय करते हैं। बेसिकली एनकेडी हब इज लाइफ करियर एंड रिलेशनशिप कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ साथ उसमें लीडरशिप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है। सो दिस कॉल्ड एनकेडी हब। एनकेडी हब का जो ये कंसेप्ट था अभी बहुत ऐसे आया था कि हर बिजनेस के पीछे होता है कि वाई, सही है। सो वाई ये था कि एक बच्चा था और एक गांव में रहता था, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा सो गांव में उसने काफ़ी चीज़ें देखी है। एक बंदा जाते दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, तीसरे के साथ लड़ाई करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे को गोली मारता है। और इस तरह की सिलसिला सिर्फ मर्दों में नहीं, औरतों में भी बहुत ज़्यादा चलता रहता था। लाइक एक घर की औरत जाती है दूसरे घर की औरत से लड़ाई करती है, दूसरे घर की औरत जाती है, और एक दूसरे के साथ सिलसिला चलता रहा। तो बच्चा जैसे बड़ा होता रहा, वो एक बाजार में जाना स्टार्ट हो गया, कुछ मार्केट में जाना स्टार्ट हो गया, कुछ शहर में जाना स्टार्ट हो गया। जब वो शहर में पहुंचा तो शहर में मुख्तलिफ लोगों से उनका वास्ता पड़ता रहा, मुख्तलिफ लोग काम करते थे, मुख्तलिफ लोग देखते थे कि यार ये लोग क्या करते, कोई मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहा था। सो जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर भी ये चीज़ नज़र आई कि मेरा ग्राहक आपके पास आ गया, मेरा क्लाइंट आपके पास आ गया, आपने उनको क्यों ये चीज़ कर दी, इनको चीज़ क्यों कर दी, और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत सारे आगे लड़ाई चलती रही, मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही। लाइक इन शॉर्ट ये कि उधर भी लड़ाई झगड़े काफ़ी चीज़ें, भाई भाई से लड़ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदारों से लड़ रहा है, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि यार क्या सिलसिले है, क्या ज़िंदगी चल रही है, उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बच्चा जैसे बड़ा होता रहा तो वो थोड़े छोटे से थोड़े बड़े शहर में चला गया, कुछ काम करने, कुछ पैसे कमाने, कुछ चीज़ें देखने। सो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ चीज़ों में काम करना स्टार्ट हो गया। तो जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम, लेकिन लड़ाई झगड़े, वहाँ पर कुछ और चीज़ें, अम्मी बेटी के साथ नहीं बोल रही, बेटी अम्मी के साथ नहीं बोल रही, भाई बहन के साथ नहीं बोल रहा, बहन भाई, लाइक सारा बहन भाई अम्मी अब्बू सारा एक दूसरे के साथ नहीं बोल रहे, छोटी छोटी चीज़ों पे तलाक हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे सारा सिलसिला है। सो वहाँ से फिर वो बच्चा सोचने लगा कि यार ये सिलसिला क्या है, ये माजरा क्या है कि यार हर जगह पर जाते लड़ाई झगड़े चल रही होती है, इसके पीछे क्या है, क्या लोगों सब लोगों को पैसे चाहिए, क्या सब लोगों को इज्जत चाहिए, क्या सब लोगों को क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है। फिर वो बच्चा जैसे और थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़े ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आ गया, मुख्तलिफ चीज़ें देखने लगी, अब वो करने लगा कि यार अब इसमें मुझे क्या करना है। तो वहाँ भी ये आया तो वहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिली, और भी उसका दिमाग खुल गया कि यार लीडरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और ट्रेनिंग्स क्या होती है, डेवलपमेंट क्या है, ये सोसाइटी क्या है, ये लोग क्या है, ये सारा सिलसिला। तो वहाँ पे जब वो आया तो उनका एक मेंटोर था, उससे बार बार ये सवाल पूछता था कि आप किस मदद की दुआ है, लाइक आप क्या है। तो बच्चा सोचने लगा, देखने लगा कि यार मैं हूँ क्या। लाइक अगर एक सवाल मैं आप लोगों से करूँ कि आप अपने अंदर नज़र डालें और अपने आप से पूछें कि आप किस मदद की दुआ है। तो जब उसने अपनी ऊपर नज़र डाली, अपनी चीज़ें को ऑब्जर्व किया, अपनी पूरी ज़िंदगी को ऑब्जर्व किया, उसने जितने काम की थी ज़िंदगी में उसको ऑब्जर्व किया, तो उनको एक चीज़ नज़र आई, उसको ये चीज़ नज़र आई कि आज तक मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने मजबूत ख़ानदान से नहीं हूँ, मैं इतना अमीर बाप का औलाद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बिजनेस मिल रहा है, फिर भी मुझे लोग इज्जत दे रहे हैं, फिर भी लोग मुझे मानते हैं। तो ऐसा क्या करता हूँ मैं कि ये सारे लोग मुझे मानते हैं। तो उसको रियलाइज़ हो गया, और उसने जब अपनी ज़िंदगी पे नज़र डाली, जब अपने आप को देखने लगा, तो उसने कहा एक चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ,
और जो लोग जिसकी वजह से मुझे बिजनेस भी मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लोगों में उठना बैठना भी मेरे अच्छा है, जिसकी वजह से आज तक मुझे किसी ने जलील नहीं किया, वो है रिलेशनशिप। कि आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है, आप लोगों के साथ रिश्ते कैसे रखते हैं, आप लोगों के साथ जिंदगी कैसे गुजारते हैं। तो वहां से समझ आया, वो बच्चा मैं ही था, वहां से समझ आया कि मैंने काम रिलेशनशिप पे करना है, मैंने रिश्तों को मजबूत करना है। क्योंकि पैसे आते हैं, आने जाने वाली चीजें, सब चीजें आते हैं, रिश्ते जब एक दफा खत्म हो जाते हैं ना, इंसान एक दफा चला जाते ना, इंसान दोबारा नहीं आता। तो मैंने वहां से आइडेंटिफाई कर दिया कि मैं इस मरज की दुआ हूं कि मैंने रिश्ते बनाने हैं, मैंने रिलेशनशिप के ऊपर काम करने हैं, मैंने उस रिश्तों को मजबूत करना है जो बिल्कुल वीक हो गए। तो उसके लिए मैंने सीखता रहा कि वाई मेरा क्लियर हो गया कि मैंने क्यों करना है। मैंने इसलिए करना है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है, मैंने इसलिए करना है क्योंकि मैंने बहुत इदारों को खत्म होते हुए देखा है, मैंने इसलिए करना है क्योंकि मैंने बहुत घर उजाड़ते हुए देखा है। तो मैंने इसलिए करना है कि वो घर न उजड़े, मैंने वो इसलिए करना है कि वो जो लोग तलाक की रेशो बढ़ रहे वो न बढ़े, मैंने इसलिए करना है कि भाई मोहब्बत करे, मोहब्बत बांटे। सो मेरा वाई जो था यही था। सो फिर जब वाई मेरा क्लियर हो गया कि मैंने यही करना है और क्यों करना है, वो भी क्लियर हो गया कि भाई इसलिए करना है, मोहब्बत बांटना है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी पे जब नजर डाली और मैं सोचता रहा भाई आज जिंदा हो कल मर जाऊंगा क्या होगा, और ये सारे लोग भी आज जिंदा है कल मर जाएंगे, आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस मरज की दुआ, मैं रिलेशनशिप की कोचिंग करूंगा, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं मुख्तलिफ चीज़ें करूंगा रिलेशनशिप के, हर बंदे की रिलेशनशिप मजबूत करने, सबसे पहले अपने आप जो मेरी रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो मजबूत करने में लग गया, जो ताल्लुकात मेरे लोगों के साथ ख़राब थे आराम आराम से वो सारा सेट करने में लग गया। और फिर मैंने कहा कि यही काम करने, तो वाह मेरा हो गया। लेकिन फिर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इस इंडस्ट्री से इतना वाकिफ नहीं था, लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे, मुझ में वो स्किल्स कहाँ से आएंगे। सो इसलिए फिर मैंने मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन किए, सीखा, मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैं सर्टिफाइड रिलेशनशिप लाइफ एंड करियर कोच हूँ। सो वहाँ से सर्टिफिकेशन कर दिए, फिर मुख्तलिफ किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मुख्तलिफ मेंटोर से मिलना स्टार्ट हो गए, मुख्तलिफ रिलेशनशिप एक्सपर्ट से मिला, क्योंकि पाकिस्तान में रिलेशनशिप के ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। तो उनसे मेरा वास्ता शुरू हो गया, उनकी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दी, उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी कि वो लोग कैसे करते हैं, और फिर मैं पाकिस्तान में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करने, अपने लोगों के लिए काम करने। सो फिर वहाँ से मैंने स्किल्स डिवेलप किया, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन किए, सारी चीज़ें सीखे, तो मेरा हॉबी क्लियर हो गया कि ऐसे करना है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब क्या करना है, तो मैंने कहा अब करना ये है कि मैंने लाइफ करियर एंड रिलेशनशिप कोचिंग करने, लेकिन ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप के ऊपर करने, क्योंकि ये सारी चीज़ें जिंदगी से रिलेटेड है। सारी अगर आप देखा जाए, आपके मेरा एक बहुत स्ट्रांगली बिलीव है, अगर इस दुनिया से रिलेशनशिप ख़त्म किया जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा काम रिलेशनशिप ही करने, और क्या करने, मैं मुख्तलिफ कोचिंग करता हूँ, वन टू वन करता हूँ, आई एम अ ट्रेनर एज वेल, लाइक आई एम अ लीडरशिप ट्रेनर, तो मैं मुख्तलिफ लीडरशिप ट्रेनिंग कराता हूँ, लेकिन उसमें भी रिलेशनशिप के एलिमेंट डाल देता हूँ। रिलेशनशिप लाइक अगर किसी कंपनी में है कि क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है, किसी अपने कुलीग्स के साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है, तो इस चीज़ों पे मैं स्टडी करता हूँ, ये चीज़ें मैंने सिखाना, जो मेरा वर्ट है कि क्या करना है, ये मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, यही मैं कर रहा हूँ, अब ये सिलसिला मैंने स्टार्ट कर दिया। सो ये अकेला मैं करता रहा, अकेला करता रहा, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कॉल करते थे, अप्रोच करते थे कि नियामत साहब या दुरानी साहब हमने आपके साथ काम कर लिया। तो मैंने कहा यार मैं तो नियामत खान दुरानी इंडिविजुअली इन के डी एक इंडिविजुअली बंदा है, आप लोग भी काम करें इंडिविजुअली करें। लेकिन फिर मुझे कुछ अरसे के बाद रिलाइज हो गया कि नहीं, वाई नॉट हम साथ मिलके चलें, जो भी रिलेशनशिप के ऊपर इस कोर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका दोस्त हूँ उनके साथ। तो इस वजह से मैंने इन के डी हब को बना लिया। देखो ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं
कि मेरे अम्मी के साथ नहीं बन रही, मेरे अब्बू के साथ नहीं बन रही है, मेरे ये नहीं है ये, मैं उनके साथ ताल्लुकात हम कैसे मजबूत किया जाए, और उनके साथ ताल्लुकात में नहीं मजबूत करना चाह रहा हूँ, चाह रहे हो लेकिन नहीं हो रहे, तो उनके साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए तीन सिंपल चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये तीन सिंपल चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दें, आपके ताल्लुकात उनके साथ बहुत मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहले, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस सेशन में भी मैं जाता हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, मुख्तलिफ सेक्टर में मैं जाता हूँ, और मैं यही कहता हूँ कि ताल्लुकात मजबूत करने से पहले मुझे आप लोगों से एक सवाल है, वो ये है कि कभी ज़िंदगी में 30 साल में, 15 साल में, जितनी भी हमने ज़िंदगी गुजारी है, हम किसी एक दिन घर जाके अम्मी को हक किया, और ऐसे हक नहीं कि दूर दूर से हक कर दिया है, और ऐसे हक नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, कभी हमने हक किया और हक करके थोड़ी देर उनके साथ गले लग के उसको फील किया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कभी हम जाके अपने वालिद साहब को हक किए, उनके साथ लग के कभी फील किया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये करना स्टार्ट करें, जब भी आप घर जाते हैं अम्मी को हक करें, बाबा को हक करें, और उनके साथ ऐसे लगे कि आप बस अभी भी बच्चे हैं। कभी ऐसे फील नहीं करना कि अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं बड़ी हो गई। ये फीलिंग कभी ज़िंदगी में कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाना। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी जाएंगे उनको हक करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, जब भी आप रात को जाते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दिन को जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, बाबा ऑफिस से आ रहे हैं, अम्मी ऑफिस से आ रही है, तो उनके साथ बैठे, उनके पाँव दबाए, उनके सर दबाए, उनके साथ वैसे बैठे और बातें करें, उनकी थोड़े खिदमत करें, जो हम लोग नॉर्मली नहीं करते, थोड़े खिदमत करें। जब आप वो खिदमत करना स्टार्ट कर देते तो देखो आपके ताल्लुकात कैसे मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली करते नहीं है, नहीं अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं बड़ी होगी, मैंने ये, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं। अगर हम यही करेंगे तो वाकई में हमसे नहीं होगी, दूसरा ये। तीसरा, हमने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है और काफ़ी ज़्यादा लोगों से हमने सुना है, जब टाइम गुजरता है, जब इंसान 50 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो आराम आराम से उसके अंदर जो आदत है वो बच्चों वाली दोबारा शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं जितना प्यार करता हूँ वो भी इतना प्यार करता है या करती है या नहीं करते। आप सोच रहे हो कि मेरी फैमिली तो उनको पसंद करते हैं, उनकी फैमिली मुझे पसंद करते हैं या नहीं, मेरे दोस्त तो उनको पसंद करते हैं, उनके दोस्त मुझे पसंद करते हैं या नहीं। इस टाइप के सवालात शुरू हो जाते हैं आपके माइंड में, और उसके लिए जो जवाब आते हैं वो हम ऑटोमेटिकली खुद ढूंढते रहते हैं, उसके लिए जो जवाब होते हैं वो हम ढूंढते रहते हैं। हम कहते हैं यार ये कहाँ होगा, किसके साथ होगा, क्या करता होगा। सो इस टाइप के जब सवालात जवाब हमारे ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं, सो इसमें रिलेशनशिप एंजाइटी शुरू हो जाती है। जब रिलेशनशिप एंजाइटी बढ़ती है, जब जैसी रिलेशनशिप एंजाइटी शुरू हो जाती है, तो आपके दिमाग, आपकी बॉडी पे, आपकी सारी चीज़ों पे उसके बहुत नेगेटिव असर होते हैं। जब उसके बहुत नेगेटिव असर होते हैं, तो इस वजह से इन चीज़ों को, इन इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए और इन इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो स्टेप। अगर आप लोग इस स्टेप को फॉलो करें और इस फार्मूले को फॉलो करें, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद आप लोगों की इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म अगर नहीं हुई तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपका जो जजमेंटल बिलीफ है वो आपने तलाश करने। जजमेंटल बिलीफ क्या है? जजमेंटल बिलीफ ये है कि हमने किसी भी चीज़ को जज किया, किसी भी चीज़ को, लाइक हमने एक चीज़ को देख लिया और हमने अपने माइंड में खुद ही जजमेंट कर लिया कि यार ये ऐसा है, यार ये ऐसा है, और फिर बाद में उसका एक बिलीफ बनता है हमारे। तो सबसे पहले तो हमारे जो जजमेंटल बिलीफ है उस पर ज़रा हमने काम करना है, उसको ज़रा हमने कम करना है, उसको ज़रा ये लाइक हमने ये हर चीज़ को जज नहीं करना। हर चीज़, जब तक एक चीज़ को हमें पता ना हो, जब तक हमें एक चीज़ का प्रॉपर पिक्चर क्लियर ना हो, तो हमने जज नहीं करना। दूसरा क्या करना है, दूसरा हमने भी पॉजिटिव, क्योंकि हर चीज़ को हम लेकर बहुत नेगेटिव होते हैं, सो हमने पॉजिटिव रहने। पॉजिटिव रहने के तरीका क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक दोस्त है और उसने आपके साथ प्लान बना लिया कि यार इस दिन पे हम जाएंगे खाना खाने, या इस दिन पे हम जाएंगे घूमने फिरने, या इस दिन पे हम कहीं भी जाएंगे,
और उसी दिन उसको कोई जेन्युइन मसला हो गया और वो नहीं आया और हम जजमेंटल लोग हैं तो हम क्या कहते हैं वो कहाँ होगा, किसके साथ होगा, क्या कर रहा होगा। जब ये चीज़ें शुरू होती है हमारे माइंड में तो हम फिर जज करते हैं, और इससे पहले तो हमारे जजमेंटल बिलीव भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हम तो हर चीज़ को जज करते हैं। तो जब जजमेंटल बिलीव भी स्ट्रांग हो और फिर हम नेगेटिव भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत नुकसान होते हैं रिलेशनशिप में भी और हमारे अंदर भी। सो इसका एक फार्मूला है कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट हुआ, एक कुछ भी वाकया हो गया, तो आपने एक साइड पर बना लिया नेगेटिव बिलीव का एक लिस्ट बना लिया कि यार ये नेगेटिव बिलीव है। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त नहीं आया तो एक साइड पर आपने बना लिया कि यार कहाँ होगा, दूसरी साइड पे लोगों को अम्मी के साथ होगा, दूसरी साइड भी आपने बना लिया है कि कहाँ मर गया, पॉजिटिव साइड में लिख लो अल्लाह ना करें जो भी आप लोग दुआएं देते। सो खैर एनीवे, तो आप लोग एक लिस्ट बनाएं, एक पॉजिटिव लिस्ट बनाएं, एक नेगेटिव बनाएं। नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली हमारे पास है माइंड में, तो जैसे आप नेगेटिव बनाते हैं तो उसके उलट जुमले ढूंढ लें, तो फिर इस पर प्रैक्टिस शुरू कर दें। जब आप इस पर प्रैक्टिस शुरू करते तो कुछ अरसे के बाद आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। अच्छा एक और चीज़ भी है जो हमारे इनसिक्योरिटी, और तीसरा पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर करूँ इनसिक्योरिटी। मैंने और भी बोला है कि यार ये जो हमारे एक इनसिक्योरिटी है कि एक बंदा है या हमारे हस्बैंड है, वाइफ है, या हमारे कोई और रिश्ता है, और हम बार बार उनसे कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते तो है ना, वो कहते हैं हाँ करता हूँ। अच्छा कितने करते यार इतना, अच्छा वाकई में करते, अरे वाकई में कर रहे इसलिए तो आपके साथ रिश्ते में। शादीशुदा लोगों में मसले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें है उसकी वजह से आते हैं, लेकिन इसका जो सलूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं आप यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, दो तीन चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं, और जो चीज़ हम कर सकते हैं तो हम अपने रिश्ते बचा सकते हैं, जो चीज़ हम कर सकते हैं तो हम अगर उस चीज़ पे अमल करें तो हमारे कभी तलाक नहीं होगी, हमारे कभी बच्चों के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं होगी, हमारे कभी पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो सबसे पहली चीज़ उसमें ये आता है कि जब भी हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े होती है, कुछ चीज़ें होती है, सो हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे को गाली गलौज में आते हैं, थप्पड़ लगा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। सो जब भी ये झगड़े शुरू हो जाते हैं तो उसमें पहला टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि आपका लड़ाई झगड़ा किसी अपने के साथ हो गया, अपने भाई के साथ हो गया, बहन के साथ हो गया, हस्बैंड के साथ हो गया, वाइफ के साथ हो, किसी के साथ हो गया, उसके बाद आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, वो आप लोगों का अपना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को एनालाइज क्या करने, अपने आप को एनालाइज इस तरीके से करो कि लड़ाई झगड़े में आप देखो झगड़ा शुरू किस चीज़ पे हुआ है, और आपकी मोस्टली लड़ाई झगड़े शुरू किस चीज़ के ऊपर होते हैं, ठीक है। अपने आप को एनालाइज करो। मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने आप को एनालाइज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार उसने मुझे गाली दी है और मुझे अजम नहीं हुई उस चीज़ पे मेरा लड़ाई झगड़ा, लेकिन फिर उस गाली में वो कौन सी गाली है जिस पे मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पे मुझे कम गुस्सा आता है। तो अपने आप को एनालाइज करो कि किन बातों के ऊपर आपको गुस्सा कम आता है, किन बातों के ऊपर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके पार्टनर की कौन सी बातें हैं कि जिस पे आपको जल्दी गुस्सा आता है, जिस पे आपको। तो अपने आप को एनालाइज करो, अपने पार्टनर को एनालाइज करो, और नेक्स्ट टाइम जब भी उस टाइप का मसला आता है, उस टाइप की बात आती है, तो आपने अपने आप को रोकना है। अच्छा सबकॉन्शियसली तो आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपने कॉन्शियसली अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आपने सीख लिया, आपने ये मेरी वीडियो देख लिया, आपने मुझसे मिले या जो भी किया, आपने सीख लिया कि यार कॉन्शियसली अपने आप को रोकना है क्योंकि अपने आप को एनालाइज करके मुझे पता चला, तो सबसे पहले ये है कि एनालाइज करो। अच्छा ये तो आपने कर दिया। जब भी हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं तो लड़ाई झगड़ों के दरमियान हम बहुत बड़े बड़े फैसले कर देते हैं, उसी टाइम कर देते हैं, ऑन द स्पॉट कर देते हैं। सो एक दूसरी चीज़ है कि जब भी आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें भी आपने कॉन्शियसली अपने आप को कंट्रोल करने और अपने आप को टाइम देने, आपने अपने आप को टाइम देने, अपने पार्टनर को टाइम देने। आपसे नहीं है कि उसी टाइम आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया, उसी टाइम आपने रिश्ता ख़त्म नहीं करने, थोड़ा टाइम दे दो, अपने आप को दे दो, पार्टनर को दे दो। ये दूसरा टाइप है कि आप कॉन्शियसली अपने आप को कंट्रोल करेंगे और एक दूसरे को टाइम देंगे। अच्छा ये दूसरी मसला भी है, इसकी वजह से भी आता है। अच्छा इसमें एक और मसला आता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसका सलूशन क्या है। अच्छा एक
जो हमारे कैश है, हमारे पैसे है, मनी है, उसकी वजह से भी काफ़ी मसले आते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनको समझ नहीं आते उसका क्या करें। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, उनको समझ नहीं आते कि कहाँ से लें। कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो दोनों कमा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या करने और आपने क्या करने। तो फॉर एग्जांपल अगर आप भी जॉब करें और आपका हस्बैंड भी जॉब करे, आपकी वाइफ भी जॉब करे, कोई भी जॉब करे आप दोनों, तो आप दोनों आपस में बैठे और डिसाइड करें कि कौन से खर्चे मैंने उठाने, कौन से खर्चे आपने उठाने, तो सॉल्व हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े कभी नहीं होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठे कि यार हमारे खर्चे कितने हैं, हमने सेव कितने करने, हमारे पैसे कहाँ से आ रहे कहाँ से नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें हम मुख्तलिफ गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की बात करूँ, कुछ लोग ऐसे होता है कि वो कमा रहे, अपनी वाइफ को कहते हैं बस ठीक है आपको सब कुछ मिल रहा है ना, आपको और क्या चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके वाइफ उनसे हर महीने सारे पैसे ले लेते हैं, उनको कहते हैं जब आपको चाहिए तो दे दूंगा। तो आप लोग आपस में अंडरस्टैंड करें, आपस में एक दूसरे के साथ बैठे और एक वे फॉरवर्ड निकालें दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तो उसकी वजह से आपकी लड़ाई झगड़े शुरू नहीं होते और आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो ख़राब नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमिताभ दुरानी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर, और आज जो हम बात करने लगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सवाल आते हैं कि पार्टनर एक दूसरे पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। चार वो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर में ये चार चीज़ें होती हैं तो आप इजीली उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नंबर एक, जब आप अपने पार्टनर के पास होते हैं, जब आप अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने किसी और पार्टनर के साथ होते हैं, सो आप अपने आप को कितने प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, आप अपने आप को कितने सिक्योर फील करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें दो चीज़ होती है, उसमें एक तो होते हैं इमोशनली आप उनके साथ कितना प्रोटेक्टेड है। लाइक आपको पता है कि यार ये कभी भी मुझे इमोशनली टॉर्चर नहीं करता, कभी भी इमोशनली मुझे ये कैसी बातें नहीं करते, क्योंकि आप उनके साथ जब आपकी ज़िंदगी गुजरते हैं, जब आप उनके साथ टाइम गुजारते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जब आपको इमोशनली टॉर्चर नहीं करता तो आप उस पर ईजिली बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है फिजिकली वो आपको टॉर्चर करता है नहीं करता, फिजिकली वो आपको मारता नहीं है, कुछ और चीज़ें नहीं करते। तो जब आप उसके साथ फिजिकली भी अपने आप को सिक्योर समझते हैं, प्रोटेक्टिव समझते हैं, तो उसके बाद आप इजीली इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले निशानी तो ये होगी। दूसरा पॉइंट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें अपने आपके जो पार्टनर होते हैं वो आपके साथ कितने दोस्ती अंदाज में बात करते हैं, कितना आपका क्लोज फ्रेंड। फॉर एग्जांपल आपके कोई एक दोस्त होता है जो बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, दोस्त क्लोज फ्रेंड के साथ हम क्या क्या शेयर करते हैं, उनके साथ किस तरह हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ किस तरह घूमने फिरने जाते हैं। तो अगर आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपका पार्टनर जो आपका होते हैं वो आपके साथ इस तरह फ्रेंडली भी है और आपके साथ एक और भी रिश्ता है, तो आप उसकी ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दूसरी निशानी तो ये होगी। तीसरी चीज, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं, हर रिलेशनशिप में आर्गुमेंट होते हैं, हर रिलेशनशिप में छोटे छोटे चीज़ों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन अगर उस रिलेशनशिप में आप देखा जाए, जो भी आपका पार्टनर होते हैं वो आपके साथ जब बात करते हैं तो आप उनको सुनते हैं, या अगर आप बात करें और वो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आप उस पर ट्रस्ट करें, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें। जब आप उनको सुनते हैं, वो आपको सुनते हैं, तो एंड रिजल्ट इसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही निकलता है। तो सबसे चीज़ ये है कि आपका जो पार्टनर है, जब भी आप बात करते हैं, जब आप उनके साथ आर्गुमेंट करते हैं, वो आपको सुनता है या नहीं। अगर वो आपको सुनता है तो ट्रस्ट है। यस, ये काफी ज्यादा लोगों का मसला है। काफी ज्यादा लोग यही सवाल करते हैं कि हम इतने अरसे से इस रिलेशनशिप में है, इस रिश्ते के अंदर है, लेकिन फिर भी हमारा पार्टनर हमें प्रायोरिटी नहीं देते। सो हम क्या गलतियाँ करते हैं कि हमें प्योरिटी नहीं मिलती। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम अपनी वैल्यू के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे वैल्यू क्या है। अगर आपको अपनी वैल्यू याद है और आप अपनी वैल्यू के ऊपर कायम है, तो कभी भी आपका पार्टनर आपको ऐसी कोई ट्रीट नहीं करेगा जिसकी वजह से आप कहेंगे कि यार मुझे प्योरिटी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ रिश्ता बना रहे, आप किसी के साथ रिलेशन बना रहे, आप किसी के साथ मिल रहे और आपको अपनी वैल्यू का पता है, तो कोई ऐसे बात कर ली तो आप उनको कहें एक मिनट रुके, आपने ये बात कर दी या आपने कोई ऐसी हरकत कर दी, तो उसको बताओ कि यार ये मेरी वैल्यू है और इस वैल्यू के साथ ये बात, ये हरकत सही नहीं है। तो जब आप शुरू से अपनी वैल्यू उनको बता देते
तो आपको कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि आपको कभी भी लगेंगे कि आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते। आपने कभी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार मेरे पार्टनर की जो वैल्यू है ना वो मुझे बहुत पसंद है। सो आप जो हम गलती करते हैं सबसे पहले वो ये गलती करते हैं कि हम अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। सो मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहले हमारी वैल्यू आते हैं। दूसरे हम क्या गलती करते हैं, दूसरे हम ये गलती करते हैं कि हर टाइम जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जब भी हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, तो हर टाइम इनिशिएट हम करते हैं उनको कॉल करना, हर टाइम इनिशिएट करते हैं हम किसी जगह पे जाने के लिए, हर टाइम इनिशिएट हम करते थे, वाई नॉट वो भी इनिशिएट करें। तो आज के बाद आप लोग इनिशिएट करना स्टॉप कर दें, बंद कर दें। मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को इग्नोर करें, मेरा मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप उनके साथ रिश्ता ख़त्म करें, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि कुछ इनिशिएट आप करें, कुछ आपका पार्टनर करें। जब आपका पार्टनर और आप दोनों मिलके करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्योरिटी मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें मिलेगी, तो आप ये शिकायत भी फिर नहीं कर सकेंगे, फिर आपको प्योरिटी मिल गई। तीसरे जो हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए हम अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, उसने आपको शाम को 6 बजे कॉल किया कि मैं 6:30 बजे तक आ रहा हूँ या आ रही हूँ, उसका मतलब क्या है भाई? आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली है, आपका काम है, आपकी और चीज़ें हैं, तो आप क्यों हर टाइम अवेलेबल हो जाते? जो लोग हर टाइम अवेलेबल हर चीज़ के लिए होते हैं उनकी ऑटोमेटिकली इज्जत कम हो जाती है, और फिर हम रोते रहते हैं कि यार कोई इज्जत ही नहीं करते। हर चीज़ के लिए अपने अवेलेबल नहीं होना। काफ़ी ज़्यादा वजूहत है रिलेशनशिप में जो जिसकी वजह से झगड़े का सबब बन जाता है, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हो जाते हैं। सो उसमें हमें कुछ 3-4 टिप्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है कि जब भी हम अपने दोस्तों के साथ, जब भी हम अपने कोलीग्स के साथ, जब भी हम अपने जिसके साथ हमारा रिलेशन है, हमारे हस्बैंड वाइफ, ठीक है, जिसके साथ, तो जब भी हम उनके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं, तो गपशप लगाते 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 हम अपने पास पे चले जाते हैं। और जब हम अपने पास पे चले जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती है कि हम कहते हैं कि यार ये आपने किया था। जैसे हम कहते हैं ये आपने किया था तो अगला सवाल आता है आपने भी तो ये किया था, तो वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग, वहाँ से लड़ाई झगड़े, वहाँ से एक शुरुआत हो गई झगड़े की। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हमने अपने प्रेजेंट में रहना है, अपने पास में नहीं जाना। जब भी हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, जब भी हम अपने कुलीग से मिलते हैं, जब भी हम अपने वाइफ के साथ हैं, हस्बैंड के साथ हैं, तो हमेशा हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट में रहें, अपने पास को भूल जाए। हाँ, पास को टोटली नहीं बोलना, पास के जो गुड मेमोरी है उसके ऊपर हम बात करें। वाई नॉट हम उसके ऊपर बात करें कि जो हमने कुछ अच्छा टाइम गुजारा था, हमने कोई अच्छी मज़े की मेमोरी है। हम क्यों हमेशा उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से कोई और नुकसान हुआ था? तो सबसे पहले तो ये है कि हमने प्रेजेंट में रहना है, हमने पास को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ उसमें ये आते हैं कि हम जब भी कोई बात आते और जब भी हम कोई बात डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम अज्यूम कर देते हैं। हमने कोई बात सुन ली, हमने अपने अंदर अज्यूम कर दिया कि इस बात का मतलब ये है और इसके पीछे ये कहानी है और उसके पीछे ये कहानी है, और हम बहुत जल्दी उस अजम्पशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हम उस चीज़ को अज्यूम कर देते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि अज्यूम मत करना, पूछो। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप जाके पूछो, आप उनसे सवाल करो कि ये बात आपने क्यों की है, ये एक्शन आपने क्यों लिया है। तो इस तरीके से जो आप, ये दूसरी चीज़ है, जो आप उस पर अमल करना स्टार्ट कर देते हैं तो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आता है, जब भी हमारे पास कोई इशू आता है, एक इशू आ गया, एक मसला आ गया, छोटा सा मसला है, और जब भी हमने उस मसले के ऊपर बैठ के बात शुरू कर दी अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने कुलीग्स के साथ, अपने, तो हम उस मसले के साथ साथ 4-5 और मसले जो हमारे साथ पहले हो चुके हैं या होने वाले हैं या अभी हो रहे, उसको भी हम इस मसले के अंदर लेकर आते हैं। और जब हम इस मसले के अंदर वो सारे मसले इकट्ठे कर देते हैं तो वहाँ से दोबारा शुरुआत होती है लड़ाई झगड़े की। तो ये एक तीसरी चीज़ है कि जब भी आप किसी एक इशू के ऊपर बात करें तो जस्ट इस उस इशू के ऊपर बात करें,
उसके साथ और जो पुराने हैं या नए हैं या अभी जो चल रहे हैं, इस इशू को इसके साथ रिलेट मत करना। पहले इस इशू के ऊपर बात करें, इसको सॉल्व करें, इस में से निकल आए, फिर जाए बाकी इश्यूज डिस्कस करें। तो हमारा क्या सिलसिला होता है, हमारा सिलसिला ये होता है कि हम एक इशू के साथ काफ़ी इशू मिला लेते हैं और हमारा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, चौथा पॉइंट है, और ये पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है या आपके वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपने उनको कॉल किया और उसने आपको कॉल नहीं उठाई, या आपने उनको कुछ कह दिया और उसने नहीं किया, और आप उसके बदले में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा शुरू हो गया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने मेरा कॉल पिक नहीं किया, आपने ये नहीं किया, खैर ये लड़ाई झगड़ा तो शुरू हो गया, करते करते एक टाइम में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे एक इसमें एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, जब आपका लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है और जिस चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा था, तो उस चीज़ का फिर सोल्यूशन निकालें, एक्शन प्लान निकालें कि उसका अगला एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर नेक्स्ट टाइम आपने मुझे कॉल किया और मैं किसी ऑफिस मीटिंग में था और मैंने आपको जवाब नहीं दिया, तो मैं ये आपको इंश्योर करूँगा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा और आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा जैसे मैं फ्री होता हूँ, या मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक और चीज़ भी इसमें याद रखना कि जब आपने ये बता दिया है कि यार मैं आपको कॉल करूंगा ये, तो इसके साथ ये भी इंश्योर कराए कि इन केस अगर इमरजेंसी की वजह से मैं आपको उस टाइम कॉल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सका, तो आप अज्यूम नहीं करना, आप इस मेंटालिटी में नहीं जाना कि यार ये क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें। सो ये अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ क्रिएट करें, एक्शन प्लान बनाएं। जब आप एक्शन प्लान बनाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी उस टाइप की सिचुएशन आती है, उस टाइप की चीज़ आती है, तो आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि उसका एक्शन प्लान क्या है। मेरे इंटरेस्ट का सवाल है, हाईली इमोशनल लोग कौन होते हैं और रिलेशनशिप में इसका क्या नुकसान आते हैं, क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे तो मुझे कोई नज़र नहीं आए आज तक आई इमोशनल लोगों के, लेकिन नुकसान है जो मैं शेयर करता हूँ। अब ये किस टाइप के लोग होते हैं? ये मुख्तलिफ टाइप के लोग होते हैं, लेकिन उसके कुछ निशानी ये है, ये जब भी आपसे बात करते हैं और जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जब आप उनके साथ रिश्ते में होते हैं, तो जब भी ये बात शुरू करते हैं, कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप कहते अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी सी बात की बात कहते आई लव यू, आप भी उनको कहते हैं आई लव यू। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था, आप मुझसे मोहब्बत तो करते हैं ना? आप कहते हैं हाँ यार मैं मोहब्बत करता हूँ। फिर कहेंगे कितना करते हो? आप कहें यार काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। आप कहते आर यू श्योर? तो आप कहें हाँ यार श्योर, तो इसलिए तो आपसे बात करो, इसलिए तो आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, इसलिए है। सो लाइक ये हाई इमोशनल लोग होते हैं, ये बार बार इंश्योर करा रहे, री इंश्योर करा रहे कि यार ये वाकई में मेरे साथ रिलेशनशिप में है, ये वाकई में मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते। और इसके नुकसानात क्या है? इसके नुकसानात ये है कि फॉर एग्जांपल आप इस टाइप के बंदे या बंदी के साथ रिलेशनशिप में, और उसने कॉल किया है और आप उनको कोई बॉस के साथ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, और आगे से वो आपको प्यार का इजहार करे और आप जवाब नहीं दे सकते। जब आप जवाब नहीं देंगे तो यहाँ से और एक पड्डा खुल गया। वो पड्डा क्या खुला? आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे जवाब देते, आप मुख्तलिफ चीज़ें उसके। तो यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है, आप कहते हैं ये करता तो हूँ बस करो, तो लड़ाई झगड़े। तो ये एक निशानी है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में नुकसान हो सकते हैं, हाई इमोशनल लोगों के होते हैं। उसके एक और चीज़ भी है, ऐसे लोग जो होते हैं, जितनी भी आपकी सोशल मीडिया है, आपके फेसबुक, आपका इंस्टा, आपके ट्विटर, आपका लिंक्डइन, आपके यूट्यूब, व्हाटएवर जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, ये उसको स्टॉक करेंगे। आज इनकी ये डीवी आई है, आज इनकी ये पोस्ट आया है, इसमें ये किसने कमेंट किया है, इस पर ये किसने किया। अच्छा, ये शीला कौन है? आपको डायरेक्ट कॉल आएगी, ये कौन है? आप कहेंगे यार हमारे साथ कुलीग है, कोई तो है हमारे साथ, तो आप फिर उसको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। तो ये लोग जो होते हैं, ये बहुत हाईली इमोशनल लोग होते हैं, ये आपके केयर भी बहुत करते हैं, लेकिन इमोशन भी इतने होते हैं कि इससे कंट्रोल नहीं होती। तो ये दूसरी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ में इसमें है, इसमें आप लोगों का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। जो बंदा हाई इमोशनल बंदा है, ये कभी भी डिसएग्रीमेंट नहीं करता। जब भी आप उनको कहते हैं कि ये करना है, ये करना ठीक है, ये करना है, ये कर ठीक है, यहाँ जाना है, ये कर ठीक है, मैंने ये काम करना है, आप क्या कहना चाह रहे, आपकी जो मर्ज़ी करें। तो ये भी बहुत ख़तरनाक साइन है, ये भी बहुत ख़तरनाक है, हर चीज़ में हाँ हाँ हाँ। तो ये एक और चीज़ है कि ये कभी भी अपना जो ना जो उनकी ख्वाहिश होती है, जो भी चीज़ होती है, वो ज़ाहिर नहीं करते, वो कहते बस ठीक है आप जो कहते हैं वही करो। अच्छा, इनकी जो ज़रूरत होती है ना,
यहाँ पे ये आप लोग गुड पॉइंट समझ ले, बैड पॉइंट समझ ले, जो भी है, इनकी कोई भी ज़रूरत हो ना वो छोड़ देते हैं, जस्ट सिर्फ आपकी ज़रूरत के ऊपर उसके फोकस रहेंगे, उनकी अपनी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती है, बस वो कहते हैं आपको जो चाहिए वही करना है, आपको जो चाहिए वही करना है। तो ये बहुत हाईली इमोशन लोग होते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये जो कोई भी काम करते हैं ना, ये अकेला नहीं कर सकता, इसको आपकी ज़रूरत होती है हर टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इनको कुछ काम मिला है कि ये करना है, ये उस टाइम तक बेटर रहेगा, बेटी रहेगी जब तक आप उनके साथ न चले जाए, उनके साथ ये काम न करें। तो एक ये टाइप वाले लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग। इससे पहले हमने फैमिली वाली बात भी की है कि फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करने है, कैसे करने। ये जो हाईली इमोशनल लोग होते हैं, ये जब एक बंदे या बंदी के साथ अटैच हो जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग डिस्कशन और यू नो टॉक विद नेमत। नेमत और मेरी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी एंड वी डिस्कस लॉट ऑफ इंटेंस इश्यूज अबाउट लाइफ। तो हमारे इस एपिसोड में आज हम जिस देखें लाइफ कोचिंग और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहा है, लोग यूट्यूब वगैरह पर भी काफ़ी सारा कुछ ट्रेनिंग, लेकिन व्हाट्स न्यू इज़ दैट जो मैं आपको नेमत को इस शो पे बुलाने का मकसद था, बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट रिलेशनशिप काउंसलर दैट आई हैव कम अक्रॉस इन माय लाइफ। सो दैट इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी माय की पॉइंट ऑफ हाईलाइट इन टुडेज एपिसोड। सो नेमत, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने सो फार कितने रिलेशनशिप्स काउंसल किए हैं, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है जो हमारी आखिरी डिस्कशन हुई थी और जो हम लोगों ने उसको कंक्लूड किया था एक लाइन के ऊपर कि यू नो ओनली लव कैन कॉन्कर हेट्रेड, हेट्रेड को हेट्रेड से नहीं ख़त्म किया जा सकता। सो रिलेशनशिप्स, and we not only mean the relationship between you know husband and wife, we mean all kind of relationship, brotherhood, maa baap ke saath aapke taluqaat, bhaiyon ke saath taluqaat and everything. So the thing which impressed me the most about Nemat was that he emphasized in using his practices for the betterment of his community, for betterment of the you know feudal systems some areas which are still existent. So he believes that communication and dialogue and strong relationship bonds can tackle any kind of conflict. So this is something that I would like you to highlight more about. कि आपने आप अपनी achievement समझते होंगे कुछ चीज़ों को जो आपने किए होंगे अभी तक डायलॉग के थ्रू। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा केसेज है, काफ़ी ज़्यादा लोग के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है वन टू वन ट्रेनिंग के ज़रिए। सो अचीवमेंट तो काफ़ी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन जो मेरी पर्सनल अचीवमेंट है और उस बंदी ने मुझे अलाउ भी किया है कि आप मेरी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो एक ये था कि एक बंदी मेरे पास आई और उसने कहा कि आप रिलेशनशिप कोच है। मैंने कहा जी मैं कोचिंग करता हूँ। सो आप कैसे करते हैं, लाइक पहली तो अजीब से टॉन्टिंग वाली पोजिशन में कि आप कैसे करते हो और आपकी खुद की रिलेशनशिप क्या है, ये एक्सेट्रा। सो मैंने उनको खैर बहुत आराम से मैंने बिठा दिया, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं आप बताए। पहले दिन तो उसने वैसे ही बता दिया, मैंने कहा यार अगर आप इसी तरह बताते रहेंगे तो आप मत आना। दूसरे एपिसोड में जब वो आई और उसने बात शुरू कर दिए, कुछ टाइम के लिए ऐसे फौज होगी और फिर कहते मेरे घर में ईद ऐसे मनाया जाता है जैसे कोई मातम हो, मैं अलग कमरे में रोती हूँ, मेरा बाप अलग कमरे में रहते हैं, मेरी माँ अलग कमरे में रोती है और हमारी एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। मुझे याद नहीं है कि कब हमने साथ खाना खाया है, कब सारी चीज़ें हुई है। सो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि रिलेशनशिप कोचिंग ऑब्वियसली दो बंदे जब मौजूद होते हैं तो उस टाइम होती है, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि यार ये रिलेशनशिप कोचिंग भी है लेकिन ये आपकी लाइफ कोचिंग मैं कर सकता हूँ, मैं आपके साथ हेल्प कर सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। इन शॉर्ट ये कि कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने मुझे रात को कोई 3 बजे कॉल की, मैंने कहा खैरियत है क्या हो गया, मैंने कहा जी बेटा। उसने कहा 7 साल के बाद आज मुझे सुकून सी नींद आई। जब उस टाइम ये मैंने सुना ना तो मैंने कहा मेरा काम हो गया। नेमत, जिस तरह से कॉलर ने हमसे एक सवाल पूछा है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि अगर फॉर इंस्टेंस हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं
तो फिर हम उनको कैसे बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं, आप इसे जानेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है जी, रियाज अहमद साहब हैं हमारे साथ कराची से, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया। रियाज साहब प्लीज़ दोबारा कॉल करें, और यकीन जानें कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे कॉलर्स जो हैं, जो हमारे व्यूअर्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और हमसे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि मिन्हा ने पूछा उनको क्या गाइड करेंगे। मिन्हा ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया और ये इस शो के साथ रिलेवेंट भी है। हमारे कुछ हमारे जो ज़्यादातर ताल्लुकात ख़राब होते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन की वजह से होती है। सही, क्योंकि दूसरे बंदे से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं। और इस पे मेरा सवाल है, कोई भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, मेरा सवाल है अपने आप से पूछो, आज तक आपने अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी की है? आप कहाँ जाना चाह रहे थे, क्या क्या करना चाह रहे, अपने लिए जो आपने अपने लिए एक्सपेक्टेशन बनाई थी अभी तक पूरी की है? अगर आपने की हुई है तो फिर आप दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट करें। अगर आपने अभी तक अपनी नहीं किया तो दूसरे बंदे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता है? सो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी या एक सजेशन ये है कि हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उसको रियलिस्टिक रखें, ठीक, या बिल्कुल ख़त्म कर दें कि हम किसी इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन रखें ना। सही, लेकिन वो ऐसा हम कर नहीं सकते, तो उसको रियलिस्टिक करें कि फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड को मैंने कहा या मेरे वाइफ को मैंने कहा कि आप मेरे साथ वहाँ चले और किसी वजह से वो नहीं गई, तो खैर कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछे। सही, ये नहीं कि आप उनके साथ शुरू हो जाए कि नहीं आपने ये कहा था, ये कहा था। दूसरी बात, उसने कहा कि हम अपना गुस्सा कैसे बर्दाश्त, जैसे सर ने बात किया कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। एक तो हमारी दीन में भी है कि आप जगह चेंज करें, आप पानी पी लें, आप कलमा पढ़े। सही, एक तो ये सजेशन है और एक ये भी हल है। दूसरे हल मेरे पास जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है अपने कैरियर में, अपनी जिंदगी में, गुस्सा आता है वो तो है, एक फीलिंग है, लेकिन हम करते कहाँ है और करते कहाँ नहीं, ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक, ये हर इंसान के कंट्रोल में, कोई बंदा ऐसे नहीं है कि वो कहते हैं कि यार मुझसे कंट्रोल नहीं आ जा। भाई आपसे कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ऑफिस में देखें, जो मेरा सीईओ होता है, मेरा बॉस होता है, वो आके मुझे बहुत कुछ सुना देते, एमी मेरी गलती भी नहीं, फिर भी मैं सुनता रहता हूँ। सही, लेकिन अगर मेरे से नहीं करते वहां पे, या अगर मेरे से नीचे वाला बंदा, मेरे से सुवेट या मेरे मैनेजर आके मुझे कोई अच्छी बात भी बताता है ना, सही, तो वहां फौरन हम रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है, जानेंगे एक ब्रेक के जाने, बड़े ब्रेक से। सो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो चार इनसिक्योरिटी जो रिलेशनशिप में होती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफी नुकसान हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, नियामत खेड़ी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर। और बहुत सारे लोग होते हैं जिसके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपने कारोबार को लेकर। सो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो चार इनसिक्योरिटी जो रिलेशनशिप में होती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी नुकसान हो सकता है। नंबर एक, नॉट गुड इनफ। वो बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को कहता है कि यार मैं इसमें इनफ नहीं हूँ। कभी कभार अपनी बॉडी को लेकर, कभी कभार अपने बालों को लेकर, कभी कभार अपने पर्सनालिटी को लेकर कहते हैं यार मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। और कभी कभार वो कहता है कि यार मेरा पार्टनर क्या सोचता होगा, मेरे बाल नहीं है, मेरा पार्टनर क्या सोचता होगा, मेरा कद लंबा नहीं है। तो आपका पार्टनर बहुत कुछ नहीं सोच रहा है, जब आप जाके उनके साथ डिस्कस करें तो आपकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बता देंगे कि आप ये भूल जाएंगे कि आपके बाल नहीं है, आप ये भूल जाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। सो ये जो पहले इनसिक्योरिटी, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और डिस्कस करने अपने पार्टनर से कि यार आप मुझे क्यों पसंद करते हैं। तो आपको जो आपके अखलाक के बारे में, आपके एटीट्यूड के हवाले से और चीज़ों के हवाले से जब वो आपसे बात करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, आप भूल जाएंगे कि मेरे अंदर ये भी चीज़ कम है। नंबर दो, कुछ लोग अपने इमोशन शो नहीं करते अपने पार्टनर के सामने, अपने दोस्तों के सामने। फॉर एग्जांपल उसको खुल के हंसना चाहिए लेकिन वो खुल के हंसता नहीं है। कभी कभार उनको रोना आता है लेकिन वो खुल के रोता नहीं है और छुपाता है कि कहीं ये लोग मुझे कमज़ोर ना समझे, कहीं मेरा पार्टनर मुझे कमज़ोर ना समझे, कहीं। सो आपको ये नहीं करना कि अपने इमोशन को कंट्रोल रखना, क्योंकि मैंने सीखा था कि जो आंसू बाहर नहीं गिरते वो दिल पर गिरते, और जो आंसू दिल पर गिरते वो बहुत नुकसान देते हैं। सो उस नुकसान से बचने के लिए आपको जाके अपने पार्टनर से बात करनी होगी, आपने उनके साथ डिटेल में डिस्कस करना हो कि आपके साथ क्या मसला चल रहा है। जब आप वो डिटेल में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत अमेजिंगली आप कुल के हंसना शुरू कर देते, कुल के रोना शुरू करते, जो इमोशन आपके आते हैं आप कुल के बयान करते हैं, आप कुल के एक्सप्रेस करते हैं। सो ये है कि आपके जो इमोशन है वो छुपाना नहीं है। नंबर तीन,
नंबर तीन इनकैपेबल। इनकैपेबल लोग कौन से लोग होते हैं, वो इस टाइप के लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल उसने कोई कारोबार शुरू कर दिया है या कुछ काम ऐसे कर दिया है और उसमें उसको नुकसान हो गया, उसमें उसको नाकामी होगी, तो वो अपनी नाकामी लोगों से छुपाते हैं, वो अपनी नाकामी अपने पार्टनर से छुपाते हैं, उनके साथ शेयर नहीं करते। तो उन लोगों को भी ये मैं बता दूँ, जब भी आप किसी कारोबार में नुकसान करते हैं, आपको किसी चीज़ में नाकामी हो जाती है, किसी रिलेशनशिप में नाकामी होती है या किसी और चीज़ में नाकामी होती है, जो आपका जो भी पार्टनर है, आपका जो भी रिलेवेंट बंदा है, आपका जो भी दोस्त है, जाके उनके साथ शेयर करें। जब आप उनके साथ शेयर कर दे तो आप तो एक हल्का हो जाते हैं, आपका जो भी डिप्रेशन होते हैं, जो भी आपका माइंड में एक चीज़ बनी होती है वो हल्का हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जब आप डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर से वही चीज़, तो उसमें एक अमेजिंग सोल्यूशन निकल आते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी भी ख़त्म करें कि आप अपनी नाकामी किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो आप ये शेयर किया करें, डिस्कस किया करें, और इसमें जो सोल्यूशन निकलते बहुत मज़े का होता है। नंबर चार, कवर्ड। ये इस टाइप के लोग होते हैं कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो डरता है कि इसको कैसे हल किया जाए, उनको पता भी नहीं होता कि इसको कैसे हल कर दिया जाए, लेकिन वो डिस्कस भी नहीं करते, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, अपने पार्टनर से शेयर भी नहीं करते, क्योंकि उसको एक अजीब सी डर लगा होता है कि यार अगर मैंने इसके साथ शेयर कर दिया है तो ये कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए, ये कुछ मेरा और ना करे। तो ये डर भी ख़त्म करें, ये जो आप कोई भी मुश्किल आता है, कोई भी चीज़ आती है, आपको नहीं आते तो आप जाके डिस्कस करें, जाके पूछ ले, सीख ले, दोबारा जब आप करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये भी जो इनसिक्योरिटी है, ये भी ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम उन चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले, उन चार एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाले जो हर पार्टनर में होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, नियामत खान दुरानी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर। और हर पार्टनर चाहता है कि मेरा पार्टनर जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो, फनी हो, लविंग हो, सपोर्टिंग हो। सो आज हम उन चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले, उन चार एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाले जो हर पार्टनर में होना ज़रूरी है। नंबर एक, सपोर्ट योर गोल। आपके जो भी गोल है, आपकी जो भी अचीवमेंट चाहता है, आप जो भी करना चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आपको मुख्तलिफ तरीके से सपोर्ट करते हैं। इन लोगों के तरीका भी कुछ अलग से होते हैं, कभी आपको गुस्से से समझाते हैं, कभी आपको प्यार से समझाते हैं, कभी आपको किसी भी तरीके से आपको समझाते हैं, और कभी कभार तो आपको ताने भी देना लग जाते हैं कि यार आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहता है कि आपका जो गोल है उसके लिए आपको इनक्रेज करते हैं। तो सबसे पहले ये निशानी होती है, सबसे पहले ये एटीट्यूड होता है, जो पार्टनर जो भी चाहता है उसके लिए उसको करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। नंबर दो, वो कहते हैं यू आर द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि आपकी जो खुशी है वो आपके अंदर होती है, वो किसी और के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो आपको आपकी खुशी के लिए आपको वो कुछ नहीं कहते। बाज़ औक़ात के हम कहते हैं कि यार ये हमारा दोस्त बहुत बदतमीज़ है, ये तो हमें कोई ऐसी बात नहीं बताते कि हम उससे खुश हो जाए, ये तो हमारा ये जो पार्टनर है ये हमें कोई ऐसी बात नहीं बताते कि हमसे। वो कहते हैं कि नहीं, आपकी खुशी आपके अंदर होती है, आपने अपनी खुशी में खुद ही खुश होना है, किसी दूसरे से आपने खुशी नहीं मांगनी। तो ये उसका दूसरा एटीट्यूड होता है। नंबर तीन, जब भी वो देखते हैं कि उनका पार्टनर उदास बैठा है, उसके साथ कोई मसला चल रहा है, कुछ और परेशानी चल रही है, तो वो क्या करता है, वो करता ये है कि जो बोरिंग चीज़ें भी होते हैं ना उसका भी फ़न बना लेते हैं, जो बोरिंग चीज़ें भी होते हैं ना उसका एक मज़े का सिलसिला बना लेते हैं, और ऐसे पेश कर देते हैं कि इसमें तो बहुत मज़ा है, ऐसे पेश कर देते हैं कि इसमें तो बहुत फ़न है, जस्ट बिकॉज वो अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने पार्टनर को उस परेशानी से निकालना चाहते हैं। तो ये तीसरा एटीट्यूड होता है। नंबर चार, उसका चौथा एटीट्यूड जो होता है वो कुछ अलग से होता है, वो हर टाइम चौम रहता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लेकिन जब भी उनके सामने कोई चीज़ आती है, जब भी वो कोई काम करते हैं, वो उसमें मैजिक ढूंढता है, और फिर हम उसको कहते हैं यार उसने क्या कमाल कर दिया, उसने क्या मैजिक दिखाया, उसने क्या जादू कर दिया। सो इस टाइप के एटीट्यूड उसका होता है कि वो कहते हैं बेस्ट से बेस्ट करें, जो भी काम करना है उसमें 100% लगा लें। तो चौथा एटीट्यूड ये होता है कि जो भी काम करते हैं वो उसमें 100% लगा लेते हैं, उसमें चौम रहते हैं और उसमें एक मैजिक कर देते हैं। अब मैंने आप लोगों को बता दिया चार एटीट्यूड, लेकिन मेरे अभी आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है और एक सवाल भी है
कि ये चार एटीट्यूड अगर आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर ले आए। जिस दिन आपने ये चार एटीट्यूड अपने अंदर ले आए, जिस दिन आपने अपने आप अपने ऊपर काम कर दिया, जिस दिन आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, आपके पार्टनर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनके साथ टाइम गुजारते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर ले आए और फिर दूसरे में देखना शुरू कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम, नियामत खान दुरानी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो उन छह निशानियों के बारे में बात करने लगे हैं। ये छह निशानियां जिस भी रिलेशनशिप में होती है उस रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं। सबसे पहले उसमें आता है से सॉरी टू ईच अदर। जिस भी रिलेशनशिप में एक दूसरे को सॉरी कहा जाता है वो रिलेशनशिप हेल्दी होता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस से आए, घर आए और आपने कुछ ऐसी बात कर ली है जो आपकी वाइफ को समझ नहीं आई, जो उनको बुरा लगा, तो थोड़ी देर बाद जब आपको रियलाइज़ हो जाता है तो आप जाके उनको सॉरी कहें। जब आप जाते हैं और उनको सॉरी कहते हैं तो सॉरी से बात ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बंदा ऑफिस से आता है और उसने ऑफिस से आके हुए या कुछ चीज़ उनको घर में अच्छी नहीं लगी और उसने कुछ कह दिया, वाइफ को कह दिया, बच्चों को कह दिया, कुछ कह दिया, और थोड़ी देर बाद जाके वो अपने वाइफ से, बच्चों से सॉरी कहता है, तो इस टाइप की रिलेशनशिप जो होते हैं जिसमें सॉरी कहते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने गलती कर दी या कोई ऐसी बात कर दी है जिसके बाद उसने जाके सॉरी कह दिया, या दूसरी बंदी ने, जब एक दूसरे को सॉरी कहते हैं इस टाइप की जो रिलेशनशिप होते हैं वो हेल्दी रिलेशनशिप होती है। नंबर दो, रिस्पेक्ट ईच अदर। जिस भी रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इज्जत रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत कामयाब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हम जो नॉर्मली करते रहते हैं, हम एक दोस्त ने इनवाइट कर दिया उसकी पार्टी पे, उसकी शादी पे, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं यार आप 10 मिनट लेट हो गए, आप 20 मिनट लेट हो गए, तो कहते आपकी भाभी की वजह से, या भाभी कहते आपके भाई की वजह से। तो इस टाइप की चीज़ें जो हम करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं, तो यही नहीं करना चाहिए। अगर जिस भी रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल आप उसी पार्टी पे पहुँचे, आप बेशक अपनी वाइफ की वजह से लेट होएगा, आप बेशक अपने हस्बैंड की वजह से लेट हो चुके हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते और आपसे कोई पूछते तो आप कहते हैं रियली सॉरी यार मैं थोड़ी सी लेट हो गया, या मैं थोड़ी सी लेट हो गई। सो इस टाइप की चीज़ें जिस रिलेशनशिप में होते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, नंबर तीन, सपोर्ट ईच अदर ड्रीम्स। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ख्वाहिश है, या आपकी वाइफ की कोई ख्वाहिश है, या आपके हस्बैंड की कोई ख्वाहिश है और वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनकी सपोर्ट करें, उनमें उनके साथ दे दें, या अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आपका सपोर्ट करें। जैसे अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे के जो ड्रीम्स होते हैं उसमें उनकी सपोर्ट करते। फॉर एग्जांपल, मैं एक जगह पर बैठा हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार आपने ये कोर्स कहाँ सीखा, मैंने कहा यहाँ सीखा, उसने जाके वो निकाल दिया मेरे सामने, उसने लिंक कॉपी करके कहीं भेज दिया। दूसरी जगह उसने मुझे कहा ये कोर्स आपने कहाँ सीखा, मैंने कहा यहाँ सीखा, वहाँ जाके उसने लिंक, तो मैंने कहा ये क्या करें, कहते ये मैं अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ, ये उनके रिलेवेंट चीज़ें हैं ताकि वो भी इस कोर्स में शामिल हो जाए और उनको कोई, तो इस टाइप की सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जिस रिलेशनशिप में ये चीज़ एक दूसरे की ड्रीम को सपोर्ट करते हैं तो वो रिलेशनशिप हेल्दी होते हैं। नंबर चार, ट्रस्ट ईच अदर। जो आपका पार्टनर है, जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो आपके हस्बैंड है, जो आपकी वाइफ है, जो आपके बच्चे हैं, उन सब पे ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करें, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो बदले में आपको ट्रस्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ट्रस्ट क्यों करें, हम भी तो नहीं ट्रस्ट करते। भाई आप ट्रस्ट करना शुरू कर दे, आप ट्रस्ट करना शुरू कर दे, क्यों, वही फार्मूला जो देंगे वही आएंगे आपके पास। तो ट्रस्ट करते हैं, जिस रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं। नंबर पाँच, यू लव टुगेदर। आप एक दूसरे के साथ हंसते हैं, जब भी आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो आप दूसरे के साथ हंसी मजाक से हंसते हैं, छोटे छोटे बातों पे हंसते हैं। तो जब इस टाइप की चीज़ें रिलेशनशिप में होती है, लाइक आपने कोई जोक मारा, उसको बुरा नहीं लगा, वो हंसने लगा, उसने कोई जोक मारा, या आप लोगों ने ऐसे कोई बैठ के गपशप लगाई, उसमें भी हंसी मजाक, उसमें भी हंस, तो ये चीज़ें जिस रिलेशनशिप में होती है उसको हेल्दी रिलेशनशिप कहा जाता है। नंबर छः, सपोर्ट ईच अदर इन डेली लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो जॉब कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ जो घर में होती है तो उनको सपोर्ट कर रही है, वो घर में बच्चों को संभाल रही है, बच्चों को सपोर्ट कर रही है, बच्चों को मुख्तलिफ एजुकेशन पे फोकस करा रही है, घर के काम में हेल्प कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ जॉब कर रही है और आप घर में हैं,
तो आप घर के मामलात देख रहे हैं, आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बच्चों की सारी एजुकेशन को देख रहे हैं, वाइफ क्योंकि वाइफ जॉब कर रही है, फॉर एग्जांपल आप दोनों जॉब कर रहे हैं, तो दोनों जब शाम को घर आते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं, किसी ने खाना बनाया, किसी ने बाहर से रोटी लेकर आए, कुछ भी कर दिया, तो एक दूसरे को सपोर्ट जो करते हैं, तो किसी भी रिलेशनशिप में अगर इस तरह की सपोर्ट होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं डेली होते हैं, तो ये चट्टा निशानी है हेल्दी रिलेशनशिप की। सो ये जो 6 निशानियाँ हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, किसी भी रिलेशनशिप में अगर ये 6 निशानियाँ मौजूद होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की ड्रीम में सपोर्ट करते हैं, सर अगर ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होते हैं तो उस रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप। जी अस्सलाम वालेकुम, नियामत खान दौरानी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पार्टनर अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो हर पार्टनर अपने पार्टनर से चाहता है। उसमें सबसे पहले आता है हैप्पी। हर बंदा चाहता है कि मैं खुश रहूं, हर बंदा चाहता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश रहूं या उनके पार्टनर की वजह से मैं खुश रहूं। तो सबसे पहले तो आपका है कि खुशी, नंबर एक, हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और वो अपने पार्टनर के साथ खुश रहे, उनकी जो खुशी है वो किन चीज़ों में है, तो हर पार्टनर को चाहिए कि अपने पार्टनर की खुशी आइडेंटिफाई करें, यानी अगर उनके हस्बैंड है तो हस्बैंड की क्या खुशी है, अगर उनकी वाइफ है तो वाइफ की क्या खुशी है, अगर कोई और पार्टनर है तो उनकी क्या खुशी है, तो उनकी खुशी आइडेंटिफाई करें और उसी खुशी की साथ उसमें शरीक हो। तो जब भी आप उनकी खुशी में शरीक होते हैं तो आपकी खुशी में शरीक हो जाते हैं, तो इस तरह से एक बहुत खूबसूरत फैमिली बनते हैं, इस तरह से एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाते हैं। तो हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे अपने पार्टनर के साथ, तो सबसे पहले तो ये, नंबर दो, हर पार्टनर के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, हर बंदे का अलग इंटरेस्ट होता है, किसी की क्रिकेट में है, किसी की जॉब में है, किसी के बिजनेस में है, मुख्तलिफ इंटरेस्ट है हर इंटरेस्ट, तो आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले लें। फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ को शौक है क्रिकेट देखने का, तो आप उनके साथ क्रिकेट देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड को शौक है फुटबॉल देखने का तो आप उनके साथ फुटबॉल देखें, तो जो भी उनके इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले लें। तीसरी चीज़, हर बंदे को चाहिए एक्नॉलेजमेंट, यानी फॉर एग्जांपल वो कोई काम करे लोग उसको एक्नॉलेज करें, वो कोई काम करे तो पार्टनर उनको एक्नॉलेज करे, तो उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ ने खाना बनाया और खाना आपने खा लिया, तो आप उनको बता दें आपने बहुत मज़े का खाना बनाया, ठीक है। अगर आपने कोई शानदार काम कर दिया और आप घर आए तो आपकी वाइफ आपको बता दे कि आपने ये बहुत मज़े का काम कर दिया, एक्नॉलेज करे, तो एक दूसरे को एक्नॉलेज करे, तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एक दूसरे को इनक्रेज करें एडवेंचर के लिए। बाज़ औक़ात हस्बैंड चाहता है कि यार मैं कोई बाहर जाओ, कोई घूमने फिरने जाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो कभी बताता नहीं है। बाज़ औक़ात फीमेल चाहती है कि मैं ये करो, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं बताते, तो एक दूसरे को इनक्रेज करें एडवेंचर के लिए, एक दूसरे को इनक्रेज करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हम अगर यहाँ जाए यहाँ जाइए, जैसे आप इनक्रेज करते हैं एक दूसरे को एडवेंचर के लिए, तो ये एक चौथा पॉइंट था कि इससे भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नंबर पाँच, आपका पार्टनर जब भी कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं या कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है या कुछ और करना चाहते हैं, आपका आपके हस्बैंड वाइफ या कोई और पार्टनर, तो आप उसको कॉन्फिडेंस दे दें। ये नहीं कर हमेशा हम यही करते रहते हैं कि कोई भी बंदा हमारे पास आते या कोई बंदी हमारे पास आते या हमारा पार्टनर कोई काम स्टार्ट कर देते तो वो कहते हैं कि यार मैंने ये बिज़नेस करना है, तो हम उनको कहते हैं कि ये नहीं करना, ये आपके बस के काम नहीं है, या नहीं करना ये आप ये दूसरा काम कर दे, नहीं आप उनको कॉन्फिडेंस दे दें, आप उनको बता दें कि येस यू कैन डू इट, आप उनको हेल्प करें उन चीज़ में। जब भी आप अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस देते हैं, आप उसकी हेल्प कर देते हैं, तो इससे भी रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। नंबर 6, डीप डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट। हर बंदा चाहता है कि उनकी रिस्पेक्ट हो, हर बंदा चाहता है कि दूसरा जो मेरा पार्टनर है वो मुझे रिस्पेक्ट दे दे, मुझे इज्जत दे दे। तो इज्जत कैसे देते हैं? इज्जत ऐसे नहीं देते कि बस आप कुछ उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें, इज्जत ऐसे देते, देखो सबसे मेजर चीज़ जो है वो ये है कि आपके घर में जो चीज़ होगी वो घर में होगी, उसको बाहर नहीं लेके जाना।
फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में एक बीवी के साथ लड़ाई होगी, हस्बैंड के साथ लड़ाई होगी, वही चीज़ आप उठाते हैं अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने दोस्तों को कॉल करके बताते हैं या अपने दोस्तों के पास जाते हैं, तो ये इसका मतलब है कि आपने उनके रिस्पेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने इस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं किया। जब आप उस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर आपका रिस्पेक्ट नहीं होता, जब फिर आपका रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि रिस्पेक्ट करें। तो ये जो चट्टा चीज़ था, ये सबसे ज़रूरी है कि इस रिश्ते में रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आपके घर में जो लड़ाई होगी, जो चीज़ होगी, वो घर में होगी। आप घर में जैसे रहते, बाहर वैसे ही लोगों को। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसको खूबसूरत बनाते भी हम हैं और बिगाड़ते भी हम हैं। इसलिए ये चीज़ें अपने अंदर ले आए, क्योंकि आपका पार्टनर जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा और बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा और ज़िंदगी भर तक चलता रहेगा।